Assalamu alaikum everyone, welcome back to my YouTube channel, Unani Connect. Myself, Siedha Sama Mohini.

किस तरह से होने वाली है सबसे पहले हम पहला मौसम की शिद्दत में कवि इलाज दूसरा कवि इलाज में आनत यानी असिस्टेंस जो बोलते हैं हमें मदद जो होती है उसे असिस्टेंस बोलते हैं ठीक है सेकंड वीडियो ये होगा थर्ड वीडियो जो होगा वो तब्दीले आबो हवा होगा ठीक है फोर्थ वीडियो होगा तब तब्दील वजा ठीक है वजह यानी पॉस्चर एंड द फिफ्थ वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट इलाज में तदरीज यानी उसमें कौन कौन से दर्जे होते हैं इस हिसाब से तशीस ना होने की सूरत में इलाज के अगर तशीस नहीं हुई है तो हमें कैसे इलाज करना चाहिए मान लीजिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट है इलाज करना लेकिन अभी तक हमें मर्ज का पता नहीं चला है तो उसके अंदर हम कौन कौन सी दवाई देंगे वो और इलाज में कशमकश यानी प्रॉब्लम जो आती है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ एनी डिजीज उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे सो लेट स्टार्ट दीडियो विद अवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज मौसम की अच्छा इलाज कैसे करेंगे? सबसे पहला हमारा ये है तो इसके बारे में शेख उ रईस ने यह फरमाया है की जब कोई खतरनाक मर्ज हो जाए तो और ऐसा लगे की इलाज करना जरूरी है या फिर इलाज की कमी या ज्यादा से जो मरीज है उसकी असली कुत जो है वो कमजोर हो जाएगी तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना है इब्तदा ही से यानी शुरू ही से हमें कवि इलाज देना है यानी कि स्ट्रोंग इलाज हमें ट्रीटमेंट हमें स्ट्रोंग दवाएं यूज करनी है लेकिन अगर ऐसा हो कि जो मर्ज है वो खतरनाक ना हो और ऐसा हो कि इलाज जो है वो हल्के दवाओं से भी काम उसका चल जाए तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना है हमें धीरे धीरे जो डोज है धीरे धीरे जो उसकी पावर है ड्रग की वो धीरे धीरे बढ़ानी है ठीक है ठीक है तो दो सिनेरियो हो गए पहला सिनेरियो की हमने बात कर ली वो तो मर्ज है वो बहुत ज्यादा है यानि वो बहुत कवि है तो हमें उस सूरत में हमें कवि इलाज देना चाहिए और अगर मर, मर्ज जो है वो कवि नहीं है और जो मरीज है वो उसे झेल सकता है तो हमें धीरे धीरे करके उसकी जो कुवत है ड्रग की भी और उसकी जो टाइप है ड्रग की भी वो भी धीरे धीरे करके बढ़ानी चाहिए तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया तो ऐसे लिखते हैं पहले सिनेरियो की बात करते हैं कि शेख रईस फरमाते हैं जब कोई खतरनाक मर्ज लाहक हो जाए यानी हो जाए लाहक होना या ना हो जाना तो अः तो और या अंदेशा हो और ये अंदेशा हो कि जरूरी इलाज में देर या कमी की वजह से मरीज की असली कमजोर हो जाएगी तो ऐसी सूरत में जरूरी है कि इब्तदा ही से कवि इलाज किया जाए यानी हम शुरू से ही इब्तदा यानी शुरू से ही कवि इलाज यानी स्ट्रोंग ट्रीटमेंट उसे दिया जाए जो हमारा पेशेंट है क्योंकि उसकी हालत नहीं है इस वक्त के उसकी उसको हम कम डोज दें ठीक है उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं लेकिन जिन अमराज में इस किस्म का खतरा ना हो जिन अमराज में ऐसा खतरा ना हो उनमें हल्के इलाज से काम लेना लिया जाए तो बेहतर रहेगा ठीक है और हल्के हल और हल्के इलाज से काम ना चलने पर कवि और शदीद इलाज की तरफ बतदरीज तदरीज यानी बतदरीज यानी दर्जा बदर्जा यानी धीरे धीरे स्टेप वाइज बढ़ना चाहिए कदम बढ़ाया जाए तो ये हमारा उसूल इलाज का पैटर्न होता है कि किस तरह से हमें कवि इलाज में करना है किस तरह से हमें जो नॉर्मल डिजीजेस होती हैं जिनके अंदर कोई खतरा नहीं होता उनके अंदर हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए ठीक है दवा जितनी ज्यादा कवी होगी उतनी ही ज्यादा तबियत मुदबिराए बदन की दुश्मन होगी ठीक है ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जितनी कवी हम दवा इस्तेमाल कराएंगे वो उतना ही हमें नुकसान पहुंचाएगी तो हमें क्या करना है पहला दर्जा फिर दूसरा दर्जा फिर तीसरा दर्जा और फिर चौथा दर्जे की दवा इस्तेमाल करानी चाहिए इसीलिए इसीलिए कब इस्तेमाल कराना चाहिए और सम्मी दवाओं को जितना हो सके उतना कम इस्तेमाल करना चाहिए मौसम गर्मा या सरमा की शिद्दत में जहां तक हो सके कवि इलाज से परहेज करना चाहिए यानी कवि इलाज नहीं करना चाहिए जहां तक हो सके लेकिन अगर पेशेंट की जो डिजीज जो वो है कंडीशन वो बिगड़ रही है तो हमें करना है लेकिन हो सके जितना हो सके कभी इलाज ना करें जैसे कि क्या जैसे कि समी का इस्तेमाल ना करें इस हाले कभी ना करें अमले कई अमले कई जो हम क्वार्टराइजेशन पढ़ते हैं अमले बद लगाना जिसे हम कहते हैं और कैसे परहेज करना चाहिए मौसम गर्मा और सरमा की शिद्दत में आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है अगर आपको मेरा वीडियो मेरा कंटेंट और मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहे एंड सेकेंडली अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और अपने जो भी डाउट्स हैं उन्हें क्लियरिफाई कर सकते हैं और थैंक फॉर सपोर्टिंग